सेवन पे जिसे विज्ञान पहला अध्याय इस पाठ का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले पोषण की परिभाषा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार से करते हैं, पहला स्वपोषण, दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण की परिभाषा है जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, विषम कोशी में जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम पाया जाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पत्तियां, पत्ती पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कोशिका, कोशिका इमारतें ईंटों से बनती है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, एक पतली बाह्य संरचना द्वारा बनी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका के अंदर ये केंद्र पाया जाता है। कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसके चारों ओर उसकी सुरक्षा करती है और सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश युक्त को सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समीकरण के द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश क्लोरो
फिल्म कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन पाया जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इन पत्तियों के अतिरिक्त अन्य लवण रंग पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित आलू भूरे लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग में प्रच्छन्न कर देते हैं और ढक देते हैं। इन पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।